Hi friends, I'm back. We were discussing about partnership, which is very important. We had a few lectures, and partnership is such a big thing. It will involve another few lectures to cover that. तो अब हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे थे, तो उस दिन हमने बेटे फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बात की थी. इज इट क्लियर? पार्टनर्स के कैपिटल कौन बनते हैं, उसमें फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लक्चुएटिंग भी होता है. तो आज हम उसके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में व्हाट आर द डिफरेंसेस. तो सबसे पहली बात करते हैं बेटे, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो याद रखिएगा हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट. तो इफ कैपिटल इज फिक्स्ड वील हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, वन इज कैपिटल अकाउंट, द अदर इज करंट अकाउंट. इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग देन ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज कैपिटल अकाउंट. इज इट क्लियर? सेकेंड, ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो वो करंट अकाउंट में की जाती हैं बेटे, कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाती. ऑल द एडजस्टमेंट्स, हमने देखा था कि कैपिटल्स में क्रेडिट क्या क्या किया जाता है. क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट किया जाता है. तो ये सारी एंट्रीज अगर हम कैपिटल में डालेंगे, अगर कैपिटल फिक्स होगा तो ये सारी एडजस्टमेंट्स बेटे करंट अकाउंट में होंगी, क्योंकि इसमें दो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी. लेकिन इस केस में फ्लक्चुएटिंग में, क्योंकि एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हो चुकी होंगी. देन बैलेंस इन दिस अकाउंट नॉर्मली डज नॉट चेंज. फिक्स का मतलब है कि एक पार्टनर का अगर स्टार्टिंग कैपिटल 40 लाख है और ओपनिंग तो क्लोजिंग भी 40 लाख ही होगा नॉर्मली, बहुत काफ़ी केसेस में. ये अलग बात है कि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या कैपिटल विदड्रॉ किया परमानेंटली, दैट इज वेरी फ्यू केसेस. सो नॉर्मली व्हाट वी फील, फिक्स कैपिटल मींस उनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम होगा, अनलेस एंड अनटिल हाँ कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज अ केस. बट इन दिस केस फ्लक्चुएटिंग, इसका बैलेंस तो चेंज होना ही है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल बेटे हमने एक बाय बैलेंस बीडी लिया होगा, उसके बाद सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉसेस ये सब कुछ देंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस सीडी होगा वो हमारा हमेशा चेंज हुआ होगा. इट ऑलवेज चेंजेस. अब इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इट शोज अ क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल है क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो उसने एक 40 लाख रुपीज़ अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाए थे और वो 40 लाख ही रहे, क्योंकि फिक्स्ड है और उसकी एडजस्टमेंट्स किस में होनी है, करंट अकाउंट में, तो इसलिए वो उसका जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट ही होता है. ये इंपॉर्टेंट MCQs में आ सकता है. लेकिन इन केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो इसका बैलेंस बेहतर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, विड्रॉल ज़्यादा हो सकते हैं या क्रेडिट प्रोसेस. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो यू मस्ट रिमेंबर टू अकाउंट्स आर मेंटेन, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन. ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन इन करंट अकाउंट, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. इन दिस केस द बैलेंस नॉर्मली डज नॉट चेंज, द बैलेंस चेंजेस एंड इट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस. एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यहां पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है कि व्हेन द पार्टनर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल, तो वो बिजनेस को कहता है कि भाई मैंने आपका ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया आपके बिजनेस है, तो मैं अगर बैंक में ये पैसा जमा कराता या कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो ये इंटरेस्ट मुझे आप दें, प्रॉफिट्स की तो बाद में बात करेंगे. तो बिजनेस ए सेपरेट एंटिटी है, वो कहता है ठीक है भाई हम आपको इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे. तो बेटे अगर जिन्होंने जितना एक फिक्स रेट अगर पार्टनरशिप में डीड में लिखाओ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ किया जाता है? व्हेन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल में किया जाता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इट अगर मेंशन है. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटे कि एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ये एक चार्ज है. अब एप्रोप्रिएशन और चार्ज में फर्क होता है.
एप्रोप्रिएशन और चार्ज में फर्क है, लेकिन हम पहले पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इसका रूल्स को मैं बता देता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। ये दो वे से किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में फर्क क्या होता है। इज इट क्लियर? तो अगर हम ए मानते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो हमें तीन केसेस को ध्यान में रखना होगा। अगर तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करेंगे एंड इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट निकलने के बाद हम देखेंगे कि भाई इन्हें देना है नहीं, तो उसमें तीन केसेस हैं बेटे। अगर हमेशा प्रॉफिट तो हो नहीं सकता कि अगर लॉसेज हो गए, अगर पार्टनरशिप को लॉसेज हो गए तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाए। इन केस ऑफ लॉसेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि बेटे ये तो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा वरना इट विल नॉट बी गिवन। हाँ, अगर सफिशियंट प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास 30 लाख है और इंटरेस्ट जो पार्टनर्स का वो सिर्फ 2 लाख बन रहा है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन थर्ड केस बड़ा इंटरेस्टिंग है जो CBSE के स्टूडेंट्स को आता है, इन केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट। इनसफिशियंट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट्स मान लीजिए बेटे 3 लाख हैं और इनका इंटरेस्ट 4 लाख बन रहा है पार्टनर्स का, तो बेटे फिर हम 4 लाख नहीं अलाउ करेंगे। हमारे पास जितने प्रॉफिट्स हैं वही अलाउ करेंगे, लेकिन फिर उस रेट पे अलाउ नहीं किया जाएगा। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पर्टिकुलर रेट पे, फिर हम रेट पे अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम इनकी कैपिटल रेशो में दे देंगे। मान लीजिए एक ने 30 लाख लगाया, दूसरे ने 40 लाख लगाया, तो इनकी कैपिटल रेशो क्या हो गई? 3:4। तो हम 4 लाख नहीं दे सकते, हम ओनली 3 लाख ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, और वो हम रेट के अकॉर्डिंगली नहीं निकालेंगे, हम फिर उनको कैपिटल के बेस पे जो उनकी कैपिटल रेशो होगी वो रेशो। सो अगेन आई रिपीट कि अगर लॉसेज हैं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर सफिशियंट प्रॉफिट्स का ये मतलब है कि हमारे प्रॉफिट्स बेटे 5 लाख हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख ही बन रहा है, तो ये 4 लाख पूरे का पूरा फुली अलाउ कर दिया जाएगा। अब इन केस ऑफ इनसफिशियंट प्रॉफिट्स याद रखें, इनसफिशियंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिट 3 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख बन रहा है, तो भैया अब हम 4 लाख तो नहीं दे सकते क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी अलाउ किया जाता है, तो हम सिर्फ 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन उस रेट के अकॉर्डिंगली नहीं, हम उसे हम कैपिटल रेशो में देंगे। और ये कैपिटल रेशो जरूर याद रखिएगा, इन कैपिटल रेशो, वैसे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होती है इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रेट फिक्स्ड होता है अपॉन 100, तो दिस इज द फार्मूला। वो अलग बात है कि बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुए तो उनके अकॉर्डिंगली चलेगा, दैट्स अ सेपरेट इशू। ये तो फिर एप्रोप्रिएशन की डिटेल दी मैंने बेटे। अब बात आ रही है चार्ज की, कि अगर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज देना है, तो फिर हमें ये कोई प्रोविजन नहीं देखना बेटे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। वी हैव टू गिव इवन इफ लॉस है, चाहे प्रॉफिट्स हैं, चाहे प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं, चाहे प्रॉफिट्स कम हैं या लॉस है, फिर हमें वी डोंट हैव टू गो टू दीज प्रोविजंस। इफ इट इज़ अ चार्ज देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस के बेस में भी दिया जाएगा। सो दीज वर टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कैपिटल्स के बारे में कि भाई फिक्स्ड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मेंशन किस में होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में कि देना है, और फिर ये भी मेंशन होना चाहिए कि क्या ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो एप्रोप्रिएशन के 3 प्रोविजंस हैं बेटे, चार्ज तो सिंपल है कि देना ही देना, चाहे लॉस है हमें याद ही नहीं रखना, लेकिन एप्रोप्रिएशन में याद रखना है कि अगर लॉस है तो नहीं देंगे बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो पूरे का पूरा दे देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट्स कम है और इंटरेस्ट उनका ज़्यादा बन रहा है तो फिर हम सिर्फ जितना प्रॉफिट है वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉट एज प्रॉफिट बट एज इंटरेस्ट, बट नॉट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, देन इट विल बी इन देयर कैपिटल रेशियो। थैंक यू।